Hello everyone, very good morning. I'm Amit Sharma from Swar Media. IIJ's Signature 2024 is just around the corner, and the excitement across the gems and jewelry industry, may it be a manufacturer or a retailer, can easily be felt. Buyers from across the globe are coming to witness the show. IIJ's Signature is truly living up to its mark as being the finest jewelry show in the world. And today we have an amazing guest with us, Mr. Dinesh Lakhani, Global Director, Hidden Gems Private Limited. Hello, Dinesh ji. Very good morning. मैं आज आपका स्वागत करता हूँ. Thank you. Dinesh ji, हम सब आपसे Hidden Gems की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे और अभी तक आपका सफर जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री में कैसा रहा? पहले तो हमारा कंपनी 1978 में हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया था. उसके बाद हम लोग ओरिजिनली ट्रेडर थे, मतलब सिंगल कट के ट्रेडर थे, जो मतलब 16 फैसेट का जो डायमंड आता है उसका भावनगर से ट्रेडिंग चालू किया था जी. उसके बाद टाइम टू टाइम हम लोग मुंबई माल बेचने लगे. उसके बाद हम लोग ने नियर अबाउट 92 में हम लोग ने उसमें शिफ्ट होके थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में हाथ अजमाया. तो उसमें हम लोग ने फुल कट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया भावनगर और अहमदाबाद से, और फिर वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने मुंबई सेंटर बनाया. उसके बाद कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग स्किल, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा एंड देन मार्केटिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग करते गए. और जो हमारा एक राइट पॉलिसी के हिसाब से हम लोग बिजनेस ग्रोथ कंटिन्यू करते गए और आज तक उसमें एक अलग ऊंचाई पे हम लोग चले गए हैं. क्योंकि जो हिसाब से आज हम लोग ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में लीडर है, जैसे भारत इंडिया तो मतलब है ही, उसमें भी हमारी कंपनी जो किरण जेम्स है आज वर्ल्ड की नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. तो उसमें आज जो हिसाब से फुल कट डायमंड का जो मार्केट शेयर है वो भी हमारे पास एक सर्टन परसेंटेज से अच्छा है. तो मतलब उसमें भी हम लोगों ने लीड लिया और उसमें हमारी पॉलिसी एकदम वेरी क्लियर है कि भाई ग्रो टुगेदर होने से हिसाब से कस्टमर का ध्यान रखते जी. उसके बाद कस्टमर हैप्पी है तो हम हैप्पी है और हमारी कंपनी हैप्पी रहेगी तो पूरा जो अपना किरण फैमिली जो एम्प्लॉयज है वो हैप्पी रखने का एक हमारा टारगेट है. उसके हिसाब से मतलब ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू हम लोग को मिल रहा है. जी जी एब्सोल्युटली. एंड दिनेश जी, अगर हम जानना चाहें किरण जेम्स की आज की तारीख में क्या क्या ऑफरिंग है मार्केट में? किरण जेम्स की आज हम लोग सूरत बैठे हैं, तो उसके बाद किरण लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन लाइक सुपर मार्केट. इफ यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू नो द वॉलमार्ट, राइट? राइट. सो लाइक व्हाट एवर यू वांट टू बाय इन पर्टिकुलर दिस सुपर मार्केट. सो इन डायमंड इंडस्ट्री वी हैव द सुपर मार्केट लाइक इन डायमंड यू नो द सो मच क्वालिटी, सो मेनी कलर, सो मेनी शेप एंड एवरीथिंग. सो किरण के पास माइनस टू से लेके दो करेट के हमारा जो एक्सपर्टीज है वो माइनस टू से लेके दो करेट तक कोई भी शेप, कलर, कोई भी कलर, कोई भी क्लियरिटी. तो हमारे पास क्वांटिटी और विद सर्विस, ऐसा तो नहीं है कि भाई पर्टिकुलर हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं. तो मतलब सर्विस सेगमेंट से हम लोग काफी फेमस है और पर्टिकुलर स्मॉल साइजेस जो हमारा मेन एक्सपर्टीज है, जो मतलब कोई भी ज्वेलर से लेके कोई ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, कोई रिटेलर या कोई वर्ल्ड की ऐसी ब्रांड नहीं है जो किरण को नहीं जानते. एब्सोल्युटली. दिनेश जी, करंट स्टेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे अगर मैं बात करूँ तो कैसा है ग्लोबल डायमंड मार्केट और आने वाले दिनों में डायमंड क्षेत्र में क्या क्या ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं? देखो, काफी टाइम से इंडस्ट्री एक चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है. उसमें आप देख रहे हो कि जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन इकोनॉमिकल और थोड़ा जो वॉर के हिसाब से थोड़ा इंडस्ट्री अभी डिस्टर्ब है, लेकिन आई थिंक सो वो टाइम अभी जा चुका है. दिवाली के बाद मतलब ये जो क्रिसमस का जो अमेरिका का फिगर है वो एडवांस में हम लोग थोड़ा फील कर रहे हैं और थैंक्स गिविंग का भी रिपोर्ट अच्छा आया है. तो आई थिंक सो अमेरिका 2024 में परफॉर्म अच्छा करेगा. अभी मेजर जो है इश्यूज वो चाइना मार्केट रिलेवेंस है हम लोगों को, तो वो भी आई थिंक सो काफी टाइम से वो मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब में चल रहा है और इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो चुका है. तो जो चाइनीज न्यू ईयर के बाद मतलब फरवरी से
मेरे को ऐसा होप है कि वो मार्केट भी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि जो पहले था वो वापस आ जाएगा, लेकिन एक ग्रोथ चालू हो जाएगी जो अभी जो काम कर रहे हैं उससे तो बेटर परफॉर्म करेगा, इतना मेरा 100% कॉन्फिडेंस है। एब्सोल्युटली। और इंडिया, इंडिया परफॉर्मिंग वेरी वेल, क्योंकि आपके पास शायद डेटा होगा, ये टाइम 30% मैरिज लास्ट ईयर की कंपेयर से ज्यादा है, तो उसके हिसाब से लोकल लोकल मार्केट है वो अच्छा चलने वाला है। और इंडिया में गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी का जो अवेयरनेस और जो कॉन्फिडेंस है वो अनबिलीवेबल है। तो ऐसे ही मतलब आप देखो तो इंडिया कंपेयर टू लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राइट। एंड जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं दिनेश जी, इस विषय पर केरन जेम्स की क्या विचारधारा है और ये किस प्रकार केरन जेम्स के बिजनेस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट करता है? देखो कोई भी इंडस्ट्री हो, सस्टेनेबिलिटी तो होनी चाहिए जी, लेकिन केरन जेम्स हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन से और गोल से चलते हैं। इंडस्ट्री में आप कभी भी देखो तो शॉर्ट टाइम हम लोग इतना अप और इतना डाउन कभी भी नहीं किया है, हम लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हर जो स्थिति आती है और बिजनेस में, ऐसा आपने भी देखा होगा कि हमेशा ऐसा कोई ग्राफ नहीं है कि कंटिन्यू ऊपर जाती है जी। लेकिन कोई भी सिचुएशन में आप अपनी टीम और आप अपने क्लाइंट के साथ जो बिहेवियर कर रहे हो और जो बिजनेस डीलिंग कर रहे हो और जो आप फैसिलिटी दे रहे हो वो डे टू डे, उसमें आपको कुछ भी बेटर इम्प्रूव होके कुछ ना कुछ बेटर सर्व करने की ट्राई करनी चाहिए। और आज तक हम लोग उसमें सक्सीड हुए हैं। तो हमारा जो गोल है कि भाई पर्टिकुलर वो टाइम पे बात नहीं करते हुए लॉन्ग फ्यूचर देखते हुए पूरी इंडस्ट्री को सस्टेनेबिलिटी मिले, और प्लस जो आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जुड़े हुए हैं उसको भी एक ऐसा इंडिया के प्रति और भारत के प्रति मतलब ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि भाई ये लोग जो बिजनेस मॉडल जो काम कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास लेके सबके साथ जाके इंडस्ट्री को एक अलग तौर पे देखना चाहते हैं हम लोग। तो आज तक हमारा गोल वही रहा है कि भाई सबको साथ में लेके, और इंडस्ट्री तो प्लस माइनस चलती रहेगी लेकिन आपके साथ जो जुड़े हुए पूरी चेन है वो चेन में साथ में लेके चले तो सबका उसमें ग्रोथ ही होगा। बिल्कुल 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 दिनेश जी, ईयर 2024 अब शुरू होने वाला है, किरण जेम्स की क्या प्लानिंग है इस वर्ष में और कोई एक्सपेंशन प्लान या किसी और रिटेल सेक्टर में हम किरण जेम्स की एंट्री देख सकते हैं क्या इस साल में? नहीं, हमारा रिटेल में अभी आने का कोई प्लान है नहीं। हमारा जो पूरा मॉडल जो बिजनेस मॉडल है वो बी टू बी बिजनेस में हम लोग काम कर रहे हैं। बी टू बी में हम लोग काफी जो हमारा आर्म्स है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो हम लोग और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो वो हमारा जो कंटिन्यू एफर्ट है मतलब वन टू वन कस्टमर के साथ रिलेशन से लेके हमारा जो फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग और आर्म स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिस वजह से मैक्सिमम लोगों के साथ हम लोग पहुंच पाए और जो सामने वाले की जरूरत है वो इधर लेके हम बेटर इधर बैठ के बेटर सर्व कर सके, ऐसा 2024 में हमारा प्लान है। बाकी ग्रोथ प्लान में अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री जो हिसाब से काम कर रही है उसमें ये पर्टिकुलर 2024 में कंपेयर टू लास्ट ईयर ग्रोथ लेना डिफिकल्ट है। ओके। एंड दिनेश जी, किरण जेम्स अपनी सफलता के लिए और मार्केट में अपनी कंपटीशन और अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाता है और क्या इनोवेशंस की वो प्लानिंग कर रहा है? इनोवेशन हमें हमारे ब्लड में है पहले तो, क्योंकि ईच एंड एवरी थिंग हम जो डे टू डे काम कर रहे हैं ना तो उसमें हमको नया चाहिए जी, और उसमें भी आगे का सोच लेके चल रहे हैं कि भाई ट्रेडिशन वैसे जो तो इंडस्ट्री अभी चल रही है या पास में चल रही थी वो हिसाब से हम लोग को कुछ काम नहीं करते हुए कुछ ना कुछ नया इंडस्ट्री को देवे, और ईच एंड एवरी डे न्यू लर्निंग डे फॉर अस। सो हम लोग पूरी टीम जो हमारा जो सक्सेस मॉडल है ना उसमें पीछे टीम का बहुत बड़ा रोल है हमेशा। मैं तो नंबर ऑफ टाइम एग्जांपल देता हूँ कि सक्सेस के पीछे कैप्टन तो है लेकिन जो टीम रहती है अगर वो टीम शोल्डर टू शोल्डर मिला के काम करेगी तो ही ये जो किरण का जो रिजल्ट है वो मिल पाएगा। तो ये पूरा श्रेय मैं पूरी टीम किरण फैमिली और किरण टीम को दे रहा हूँ, और
टीम इतना एनर्जेटिक है कि कोई भी हम लोग डिसीजन के हम लोग चैलेंज ले रहे हो इंडस्ट्री में, तो खाली हम लोगों ने चैलेंज ले लिया तो सक्सेस करने का जवाबदारी पूरी टीम ले लेती है। और एक्चुअली किरण में एक एक्सपर्टीज है कि कोई भी वो चैलेंज लेता है तो सक्सेस करके दिखाता है। तो आज वो बात करें तो हमारी टीम बहुत एनर्जेटिक है और इनोवेटिव है, क्योंकि कोई भी चीज वो रूटीन जो ट्रेडिशन से चल रही है वो नहीं करना चाहते, वो नया कुछ करना चाहती है, ऐसी सोच वाली टीम है। तो हमारे लिए सक्सेस थोड़ा मतलब दूर हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है हमारे। ग्रेट ग्रेट सर, आपके जैसा लीडर हो तो डेफिनेटली हर एक एम्प्लॉय आपकी टीम मेंबर्स काफी मोटिवेटेड रहते हैं, एंड इवन एज एन इंडस्ट्री पीपल विल लर्न फ्रॉम योर एक्सपर्टीज एंड योर लर्निंग्स। जी IIJS सिग्नेचर शो आज एक विश्व स्तर पर पहुंच चुका है, वो अब एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आपकी क्या प्रतिक्रिया है शो को लेकर, और आप इस शो में क्या नया लेकर आ रहे हैं बायर्स के लिए? देखो, हमेशा जो ये IIJS शो है अभी वो इंडस्ट्री का बेस्ट B2B और B2C, जो मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए तो B2C के लिए स्मॉल स्केल पे है, लेकिन B2B के लिए इंडिया के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और टाइम टू टाइम हम लोग जैसे आगे भी बताया उसमें जो हिसाब से हमारी कंपनी काम कर रही है वो नया कलेक्शन, नई सोच, नई विचारधारा से हम लोग ईच एंड एवरी डे आगे बढ़ रहे। तो उसमें जो हमारी जो ज्वेलरी लोकल कंपनी जो मतलब लोकल मार्केट को जो सर्व कर रही है जी, तो उसके लिए कुछ नया कलेक्शन लेके ईच एंड एवरी टाइम हम लोग आ रहे हैं, तो नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं और नया नया प्लान करके कि भाई मैं भी हमारी कंपनी भी आगे बढ़े और इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और हमारे साथ जुड़े हुए जो रिटेलर है, जो जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है वो उसको साथ में लेके सबका ग्रोथ साथ में कैसे हो गए ऐसा प्लान के करके हम लोग ये टाइम IIJS में एंट्री करने वाले हैं। इसके साथ दिनेश जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। थैंक यू अमित जी, थैंक यू नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू मिस्टर दिनेश लखानी, ग्लोबल डायरेक्टर किरण जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, IIJS सिग्नेचर शो 2024 एट टू वेन्यूज कॉन्करेंटली एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर from 4th to 7th of January and from 5th to 8th of January at Bombay Exhibition Center, Mumbai. Do not miss the chance to visit the show. We'll be back soon with more such interesting conversation with the dynamic personality of our gems and jewelry industry. Until then, I am Amit Sharma. Sign off. Take care. God bless.